हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ उस लड़के की डरावनी कहानी का पार्ट टू। इस कहानी का पार्ट वन पहले ही मेरे चैनल पे आ चुका है, बट आप में से जिन लोगों ने इस कहानी का पार्ट वन नहीं सुना है, उसी के लिए मैं पार्ट वन और पार्ट टू एक साथ अपलोड कर रहा हूँ। आप में से जिन लोगों ने पार्ट वन सुन लिया है, वो स्क्रीन पर दिख रही टाइमलाइन पे स्किप कर दो, और आप में से जिन लोगों ने नहीं सुना है वो वीडियो को पूरा सुनिए। होप आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। आइए अब सुनते हैं इस कहानी को। आंखें बहुत कुछ देखती हैं, कभी कभी वो सच होकर भी झूठ सा लगता है, या हम सच पर यकीन नहीं करना चाहते हैं। खुशी 17 साल की एक लड़की है। खूबसूरत काली आंखें, काले भूरे रंग के बाल, गोरा रंग, लंबी खूबसूरत नाक, पतले हल्के होंठ, लंबाई लगभग 5 फुट 2 इंच, कुल मिलाकर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की। दीपक और आरती की इकलौती बेटी, दोनों ही उसे बहुत प्यार करते थे। काफी इलाज और मन्नत से 12 साल बाद खुशी हुई थी। इसके पहले आरती बहुत उदास और अकेले रहा करती थी। खुशी के जन्म के बाद आरती बिल्कुल खुश रहने लगी, सबसे मिलने जुलने लगी। बच्ची दीपक आरती के जीवन में खुशियां लेकर आई थी, इसीलिए दीपक ने उसका नाम खुशी रखा। खुशी जहां भी रहती सबको खुश रखती थी। मिलनसार, हंसमुख और पढ़ाई में भी बेहद अच्छी लड़की। खाने पकाने की शौकीन, ड्राइंग भी उसे बहुत अच्छी आती थी। सभ्य, दयालु और व्यवहार कुशल, बड़ों को इज्जत देने वाली और छोटों से प्यार से बात करने वाली। दीपक की छोटी सी एक खिलौने की फैक्ट्री थी, जो कि घर से थोड़ी ही दूरी पर थी। दीपक का मानना था कि महिलाएं बच्चों की पसंद या नापसंद अच्छे से समझती हैं। वो नए खिलौने के निर्माण से पहले अपने फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं के विचार अवश्य पूछता था। वो महिलाओं का बहुत ही सम्मान करता था, इसीलिए दीपक की फैक्ट्री में पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा थी। दीपक और आरती फैक्ट्री के कर्मचारी से परिवार की तरह प्रेम करते थे। उनका यही गुण उनकी बेटी खुशी में भी था। खुशी अपने बचपन से ही फैक्ट्री आती जाती थी। फैक्ट्री में हर किसी से उसका कोई ना कोई रिश्ता था। कोई चाचा, मासी, भैया या दीदी, सब कोई ना कोई उसके रिश्तेदार थे। खुशी के अच्छे व्यवहार की वजह से सभी उसे बेहद प्यार करते थे। खुशी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। 10th क्लास में खुशी ने अपने स्कूल में टॉप किया था। इस बार उसकी 12th के एग्ज़ाम थे। वह जी जान से अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रही थी। उसकी मौसी वंदना पास ही के शहर में किराए के मकान में रहती थी। उसके मौसा राजेश, जो कि क्लर्क की नौकरी करते थे, एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। मौसी ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, इसीलिए उन्हें नौकरी नहीं मिली थी। देहांत के समय 3 बच्चे भी थे जो कि छोटे थे, इसीलिए उनमें से कोई भी अपने पिता की नौकरी के योग्य नहीं था। वंदना को पति की पेंशन मिलती थी, लेकिन वह बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में कम पड़ती थी। वंदना शहर में अपने बच्चों के साथ अकेली रहती थी। राजेश के देहांत के बाद उसके परिवार ने वंदना और बच्चों को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। राजेश का परिवार वंदना और बच्चों की कभी भी फिक्र नहीं करते थे। आरती अपनी बहन को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी। दीपक अच्छे दिल का मालिक है, इसीलिए वह हर जरूरतमंद की सहायता करता है। दीपक के 2 भाई हैं, लेकिन उसकी कोई बहन नहीं थी। वंदना आरती से बड़ी है, और दीपक भी वंदना से बड़ी बहन की तरह प्रेम और सम्मान करता था। वंदना और बच्चों की सारी जिम्मेदारी राजेश के देहांत के बाद अब दीपक और आरती ही देखते थे। वंदना के 3 बच्चों में बेटी सलोनी सबसे बड़ी है। 2 बेटे हैं जो सलोनी से छोटे हैं। सलोनी MA फर्स्ट ईयर में है। अच्छा रिश्ता मिलने से वंदना ने सलोनी की शादी तय कर दी थी। लड़का इंजीनियर है और शादी का प्रस्ताव लड़के की मां ने भेजा था, इसीलिए वंदना ने शादी के लिए हाँ कह दी थी। फरवरी के महीने में सगाई की तारीख रखी गई है। खुशी को इस बार 12th के एग्ज़ाम देने हैं। खुशी इस बार भी फर्स्ट आना चाहती थी, इसीलिए एग्ज़ाम्स पे ही अपना पूरा फोकस कर रही थी। फरवरी का महीना है, हल्की ठंड है और अगले महीने एग्ज़ाम्स होने थे।
खुशी अक्सर देर रात तक या सुबह जल्दी उठकर पढ़ने बैठ जाती है। खुशी की स्टडी टेबल की खिड़की घर के दाहिनी तरफ खुलती है। खिड़की के सामने कुछ दूरी पर कच्ची सड़क जाती है। सड़क के किनारे छोटे पौधे और कम ही पेड़। उस कच्ची सड़क पर लोगों का आना जाना कम ही रहता है, क्योंकि वह सड़क दीपक की फैक्ट्री तक ही जाती थी। नई पक्की सड़क बन जाने पर इस रास्ते से पैदल लोग ही आते जाते हैं, वो भी बहुत कम। सलोनी की सगाई है, सब कुछ दीपक और आरती ही करते रहे हैं, इसीलिए उन्हें सगाई में जाना ज़रूरी है। खुशी अपनी पढ़ाई की वजह से जाना नहीं चाहती है। दीपक और आरती ने जाने की सारी तैयारी कर ली है। आरती ने खुशी से कहा, बेटा चल लो ना तुम भी, यहाँ अकेले क्या करोगी? अकेले कहाँ हूँ मम्मा, शोभा आंटी है ना? शोभा आंटी तो बस दिन में रहती है ना, रात का क्या? शोभा आंटी को रात में भी रोक लेंगे, वैसे भी शाम तक आप लौट ही आएंगी। आंटी जी कल सुबह ही हमें निकलना है, आप प्लीज़ आज और कल रात रुक जाइए। वैसे तो हम रात होने तक लौट आएंगे, फिर भी आप रहेंगी तो हमें फिक्र नहीं होगी। आरती ने शोभा से कहा, जो उनके घर में काम करती थी। ठीक है बेटा, इसमें कोई बात नहीं है, बस घर पर फ़ोन करके बता देती हूँ, शोभा ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा आंटी, आरती नम्रता से बोली। नहीं बेटा, ऐसा कहकर मुझे पराया मत करो, कितने सालों से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, खुशी भी तो मेरी ही बच्ची है, शोभा ने खुशी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। रात के 10 बजे हैं, सभी खाना खा चुके हैं। खुशी पढ़ाई के लिए बैठी तो दीपक ने कहा, सुबह पढ़ लेना, जब हम निकलेंगे तो जग ही जाओगी, अभी देर तक पढ़ोगी तो नींद पूरी नहीं हो पाएगी। सभी अपने कमरे में सो गए। शोभा लॉबी में पड़े बेड पर सो गई। अगले दिन सगाई थी, सारी जिम्मेदारी दीपक और आरती देख रहे थे, इसीलिए उन्हें जल्दी ही जाना था। रात 3:30 बजे ही सब जग गए थे, खुशी भी जग गई। शोभा ने चाय बना दी और सभी ने बैठकर साथ में चाय पी। आरती ने कहा, खुशी कोई बात हो तो कॉल कर लेना, वैसे तो शोभा आंटी हैं ही। ठीक है मम्मी। बेटा आप लोग आराम से जाओ, यहाँ मैं हूँ, कुछ परेशानी हुई तो मैं आपको बता दूँगी, शोभा ने कहा। थोड़ी ही देर में दीपक और आरती सगाई के लिए निकल गए। घर में खुशी और शोभा ही थे। खुशी अपनी बुक लेकर स्टडी टेबल पर बैठ गई और पढ़ने लगी। शोभा ने पूछा, बेटा आपको कुछ चाहिए? नहीं आंटी आप सो जाइए, अभी कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ काम हो तो बुला लेना बेटा, कहकर शोभा लॉबी में आकर सो गई। सुबह के 4:30 बजे थे। पढ़ते पढ़ते अचानक खुशी ने खिड़की से बाहर देखा। उस सड़क पर कोई आता जाता नहीं है, फिर इतनी सुबह सुबह कौन है? खुशी ने मन ही मन में सोचा और उसे गौर से देखने लगी। हल्की सी रोशनी थी, लेकिन अचानक ही वहाँ धुंध सी नज़र आने लगी। धुंध में एक साया नज़र आया, जो कि समझ नहीं आ रहा था स्त्री है या फिर पुरुष। फिर एक दुपट्टा लहराते हुए दिखाई दिया, जो हल्की रोशनी में हल्का गुलाबी लग रहा है। तभी पीछे से शोभा आ गई, बेटा चाय कॉफ़ी कुछ लाऊं? खुशी ने पीछे मुड़कर कहा, नहीं। और जैसे ही वापस सामने खिड़की से बाहर देखा तो सब कुछ सामान्य साफ दिख रहा था, ना कोई रोशनी और ना ही कोई धुंध। खुशी को ऐसे समझ नहीं आया कि अभी उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो भूत प्रेत में यकीन नहीं करती थी, इसीलिए इस घटना को नॉर्मल मानकर उसने इस बारे में कुछ नहीं सोचा और अपनी पढ़ाई में लग गई। शोभा खुशी से पूछने के बाद सो गई। सुबह के 7 बजे तक पढ़ने के बाद खुशी आहिस्ता से उठी और हाथ मुंह धोकर किचन से 2 कप कॉफ़ी बनाकर लाई और शोभा को जगाकर बोली, लो आंटी कॉफ़ी पी लो। अरे खुशी बेटा मुझे जगा देती, तुमने क्यों बनाई? आप बनाओ या मैं, मतलब तो कॉफ़ी पीने से है ना, खुशी ने हंसते हुए कहा। दोनों बैठकर कॉफ़ी पीने लगे। शोभा अक्सर खुशी को अपने गांव की अलग अलग कहानी सुनाया करती थी। कॉफ़ी पीते पीते शोभा ने कहा, बेटा आपने सुना क्या एक जोगी के बारे में? नहीं आंटी बताइए, आपने बताया ही नहीं। एक जोगी आया है बेटा अपने शहर में। जोगी तो घूमते ही रहते हैं आंटी, इसमें नया क्या है? उसकी एक कहानी है बेटा। अच्छा क्या कहानी है, सुनाइए मुझे भी। जोगी की एक छोटी बहन थी जिससे उसे बहुत प्रेम था, वो बहुत ही सुंदर थी। एक बार वो अपनी सहेलियों के साथ कहीं घूमने गई, रास्ते में किसी प्रेत को
उसकी खूबसूरती से प्यार हो गया। क्या भूत को प्यार हो गया? खुशी ने हंसते हुए पूछा। हाँ बेटा, पूरी बात तो सुनो। ठीक है आंटी, बताइए, अब नहीं हंसूंगी। फिर वो प्रेत उसके पीछे पड़ गया। वो जहाँ जाती उसके पीछे पीछे जाता। फिर एक दिन परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। उसके भाई को बहुत ही दुख हुआ। उसने दुखी होकर अपने जीवन को ख़त्म करने की कोशिश करी। वो एक ऊँचे स्थान से कूदने ही वाला था कि एक सन्यासी ने उसे रोक लिया और अपने साथ ले गए। सन्यासी के साथ उसने बहुत सा ज्ञान प्राप्त किया और फिर वो अघोरी से मिला और अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली। अब वो अपने ज्ञान से ही अतृप्त आत्माओं को मुक्ति दिलाते हैं, भूत प्रेत से परेशान लोगों की सहायता करते हैं। अच्छी कहानी है आंटी। यह कहानी नहीं है बेटा, यह हकीकत है। चलिए अच्छी बात है। 8 बज गए हैं आंटी, भूख लगने लगी है, कुछ नाश्ता मिलेगा? अरे बेटा, बातों में तो समय का ध्यान ही नहीं रहा। रुको, थोड़ी देर में बना दूंगी। क्या खाओगे बेटा? जो दिल करे बना दीजिए ना आंटी, जो जल्दी बन जाए। ब्रेड ऑमलेट बना दूँ? हाँ आंटी, ठीक है। थोड़ी ही देर में शोभा नाश्ता ले आई। नाश्ता करके खुशी को नींद आने लगी। आंटी मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ। ठीक है बेटा, तब तक मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। लंच में क्या बनाना है बेटा, बता दो। जो आपको पसंद हो बना दीजिए ना आंटी, कहकर खुशी अपने कमरे में जाकर सो गई। साफ सफाई करने के बाद नहाकर शोभा ने छोले भटूरे बना दिए और फिर खुशी को जगाया। दोपहर के 1 बजे थे। खुशी नहाने के लिए चली गई। खुशी ने नहाकर काले रंग का सूट पहना। गीले बालों में खुशी काले सूट में बहुत अच्छी लग रही थी। शोभा ने कहा, बहुत सुंदर लग रही हो बेटा, किसी की नज़र ना लग जाए, और खुशी के कान के पास काला टीका लगा दिया। आप भी ना आंटी, कहकर खुशी खाने के लिए बैठ गई। आप भी साथ ही खाइए, अकेला अच्छा नहीं लगता। दोनों ने बैठकर खाना खाया। फिर खुशी ने टीवी ऑन कर दिया। थोड़ी देर आराम से टीवी देखने के बाद खुशी पढ़ने के लिए बैठी। खुशी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। खुशी ने आरती को कॉल करके कहा, मम्मी मैं कृतिका के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर साथ पढ़ने के बाद मैं लौट आऊँगी। ठीक है जाओ बेटा, पर जल्दी आ जाना। जल्दी आ जाऊँगी मम्मी, कहकर खुशी ने बाल ठीक किए और अपनी स्कूटी निकाल ली। शोभा से बताकर वो कृतिका के घर के लिए निकल गई। खुशी काले सूट और खुले बालों में बहुत ही अच्छी लग रही थी। कृतिका का घर तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कृतिका के 2 भाई बहन हैं। भाई कृतिका से छोटा है। कृतिका भी खुशी जैसी ही पढ़ाई में अच्छी है, इसीलिए दोनों की अच्छी बनती है। कृतिका के घर से कुछ दूर पहले ही 7 पेड़ हैं, जहाँ आसपास के लोग शाम होने के बाद जाने से डरते हैं। उन पेड़ों के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं। खुशी अपनी स्कूटी लेकर जब उन पेड़ों के करीब पहुँची तो स्कूटी की स्पीड कम करके उन पेड़ों की तरफ देखकर मन ही मन सोचने लगी, कितनी शांति है यहाँ, कितना अच्छा लग रहा है, जाने क्यों लोग यहाँ आने से डरते हैं। और फिर स्कूटी वापस से तेज करके आगे निकल गई। कृतिका के घर पहुंचकर उसकी मम्मी को उसने नमस्ते किया। कृतिका उसे देखकर बहुत ही खुश हो गई। उसकी मम्मी चाय नाश्ता ले आई। दोनों ने अपनी परीक्षा के बारे में बात की और फिर पढ़ाई करने लगीं। घर में बस कृतिका और उसकी मम्मी ही थे, पापा और भाई कहीं बाहर गए हुए थे। खुशी ने समय पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब अंधेरा होने लगा तो उसने कृतिका से कहा, ठीक है मैं अब चलती हूँ। अंधेरा देखकर उसकी मम्मी ने कहा कि किसी को बुलाकर साथ भेज देती हूँ मैं। खुशी ने कहा, नहीं आंटी मैं चली जाऊँगी, और वहाँ से निकल गई। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। खुशी डरती नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि शायद आज आंटी की बात मान लेनी चाहिए थी। खुशी ने उन पेड़ों को देखकर स्कूटी की रफ्तार तेज कर दी। अंधेरे में स्कूटी की रोशनी में उसने देखा कि पेड़ के पास कोई खड़ा हुआ था। जैसे ही स्कूटी उसके पास पहुंची, उस आदमी ने रुकने का इशारा किया। खुशी रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन अचानक से ही वो आदमी स्कूटी के सामने आ गया और खुशी को स्कूटी रोकनी पड़ी। और वो गुस्से से बोली, पागल हो गए हो क्या, स्कूटी ना रोकती तो? नहीं, मुझे आगे जाना है, आप छोड़ दीजिए प्लीज़, उस लड़के ने कहा। लड़का उम्र में लगभग 23-24 साल का था।
गोरा रंग, नीली आंखें, सुंदर चेहरा और अच्छी लंबाई। स्कूटी की रोशनी में बहुत ही अच्छा लग रहा था। खुशी ने पूछा, कहाँ जाना है? उसने कहा, टॉय फैक्ट्री के पास ही। खुशी ने सोचा, चलो अच्छा है, अकेले जाने से तो बची। फिर उसने स्कूटी स्टार्ट की और कहा कि बैठ जाओ। वो लड़का खुशी से पीछे बैठ गया और खुशी अपने घर के लिए चल दी। खुशी अपनी स्कूटी चला तो रही थी, लेकिन उसके मन में एक डर था। वह इस युवक के साथ सुरक्षित है या फिर नहीं? आए दिन न्यूज़ में लड़की के साथ हुई दुर्घटना की खबर आती रहती है, या फिर वह अच्छा और शरीफ इंसान भी हो सकता है। दोनों ही बातें सोचते हुए वो स्कूटी चला रही थी। उसका ध्यान रास्ते से ज़्यादा पीछे था। अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो वह डरेगी नहीं, उसका सामना करेगी। 5 मिनट आगे बढ़ने के बाद लड़के ने कहा, आप टॉय फैक्ट्री का रास्ता जानती हैं? खुशी ने कहा, हाँ, मैं वहाँ के टॉय फैक्ट्री के वॉचमैन का बेटा हूँ। अच्छा, किशोर अंकल के? वो तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, क्या आप उन्हें जानती हैं? हाँ, जानती हूँ। खुशी ने कहा, मैं तो उससे बेकार ही डर रही थी, यह तो अच्छा इंसान लगता है। हाँ, आपको मुझसे डरना नहीं चाहिए। लड़के की बात सुनकर खुशी चौंक गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। हैरानी की बात थी कि उसे कैसे पता चला कि वो क्या सोच रही थी। जल्दी ही खुशी अपने घर के सामने आ गई। घड़ी में 6 बजे थे, लेकिन फरवरी का महीना होने की वजह से अंधेरा हो चुका था। खुशी ने स्कूटी रोकी और लड़के ने उतरकर उसे थैंक्स बोला और अपना नाम ऋषभ बताया। जहां वह उतरा, खुशी का घर सामने था। सड़क पर रोड लाइट जल रही थी, जिससे खुशी उसे अच्छे से देख पा रही थी। ब्लू शर्ट, बादामी पैंट, आर्मी सोल्जर के जैसे हेयर कट, नीली आँखें, लंबी नाक और गोरा रंग। वो लड़का उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह कुछ कह रहा था और खुशी बस हाँ हाँ में जवाब दे रही थी। जिससे वह डरी हुई थी, वो उसे अचानक से पसंद आने लगा था। वो नहीं चाहती थी कि वो वहाँ से अंदर जाए, लेकिन फिर उसने कहा, अच्छा आप घर जाइए, आपकी आंटी खिड़की से देख रही हैं। उसकी बात सुनकर उसने घर की ओर देखा तो शोभा खिड़की पर खड़ी देख रही थी। उस लड़के ऋषभ ने कहा, आप घर जाइए, आपसे मैं बाद में मिलता हूँ। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, और अपने घर आ गई। उसने अचानक से पीछे देखा तो देखा ऋषभ वहाँ पर नहीं था। शोभा आंटी दरवाज़ा खोलकर खुशी का इंतज़ार कर रही थी। अंदर जाते ही शोभा ने आगे बढ़कर खुशी के खुले बालों का जूड़ा बना दिया। खुशी ने हंसते हुए पूछा, क्या कर रही हो आंटी? बेटा, रात हो गई है, ऐसे में तुम खुले बालों में रास्ते से आ रही हो। तो क्या हुआ आंटी? खुशी ने बाथरूम की ओर बढ़ते हुए कहा। बेटा, तुम नहीं समझोगी, कुछ कारण है इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। आप भी ना आंटी, ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप सोच रही हो। देखिए, मैं सही सलामत वापस आ गई। बेटा, अच्छी बात है तुम ठीक हो, लेकिन सावधानी तो ज़रूरी है ना? ठीक है आंटी, कहकर खुशी अंदर हाथ मुँह धोने लगी। बेटा, दीपक बाबू का फ़ोन आया था। अच्छा, क्या कहा पापा ने? खुशी ने तौलिए से अपना चेहरा साफ करते हुए कहा। कह रहे थे कि आज रात वो नहीं आ पाएंगे, कल सुबह 10 बजे तक ही आएंगे। हम खा पी कर दरवाज़ा अच्छे से बंद करके सोए। ठीक है आंटी, खुशी अपने कमरे में जाकर लेट गई। क्या बनाऊं बेटा खाने में? कुछ भी बना दीजिए आंटी, लेकिन साथ में रायता बना लेना, कहकर खुशी ने आंखें बंद कर ली। खुशी की आंखों के सामने बार बार ऋषभ का चेहरा आ रहा था। घबराकर उसने आंखें खोल ली और पढ़ने के लिए बैठ गई, लेकिन वो अब पढ़ नहीं पा रही थी। उसके बारे में सोच सोच कर वो परेशान हो रही थी, और उसके बाद वो उठी और बाहर आकर टीवी ऑन कर दिया। उसे लग रहा था कि उसे कुछ हो रहा है। उसे बहुत ही अजीब सा फील होने लगा। हर जगह उसे न जाने क्यों ऋषभ ही दिखने लगा था। आखिर ऐसा क्या है उसमें जो मेरे से रहा नहीं जा रहा? बेटा, 8 बज रहे हैं, आके खाना खा लो, शोभा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए आवाज़ दी। खुशी टीवी बंद करके खाने के लिए बैठ गई। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रही हो? शोभा ने उससे कहा। कुछ भी नहीं आंटी, एग्ज़ाम की टेंशन है, खुशी ने बात टालते हुए कहा और प्लेट में खाना निकाल कर खाने लगी। ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि खुशी अपने साथ साथ शोभा को भी खाने के लिए कहती थी। बेटा, इतनी टेंशन नहीं लेते, एग्ज़ाम तो आते जाते रहते हैं, कुछ नंबर आपकी काबिलियत को नहीं आंक सकते। खुशी ने शोभा की तरफ देखा
और महसूस किया कि शोभा उसकी बहुत फिक्र करती थी, उसे सब सच बता देना चाहिए। तभी शोभा बोल पड़ी, बेटा आप सड़क पर अकेले इतनी देर तक क्यों खड़ी थी? आप तो अपना फ़ोन भी नहीं लेके गई थी, फिर क्या बोल रही थी अकेले? आंटी मैं अकेले नहीं थी, वहाँ वो लड़का था ना ऋषभ, जिसने मुझसे लिफ्ट ली थी। पर मैंने तो आपको वहाँ पर अकेले ही देखा था, और कोई नहीं था वहाँ पे, और ऐसे ही किसी को लिफ्ट ना दिया करो आप। आंटी आपने देखा नहीं होगा, वो वहीं पर था और वो किशोर अंकल का बेटा था। क्या बात कर रही हो खुशी बेटा, किशोर भाई साहब के तो 3 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं। आंटी उसी ने ऐसा कहा था, अब कोई झूठ क्यों बोलेगा? खुशी बेटा ऐसा ना हो कि उस लड़के ने तुम्हें फंसाने के लिए झूठ बोला हो। शोभा ऐसा कहते हुए थोड़ा डर सा गई। क्या आंटी आप भी बेवजह डरती रहती हो, कहते कहते खुशी ने अपना खाना ख़त्म कर लिया। आंटी मुझे नींद आ रही है, कहकर खुशी सोने चली गई। खुशी का बिहेवियर काफ़ी चेंज सा लग रहा था, ना तो इतनी जल्दी सोती है, और उसने शोभा को खाने के लिए भी नहीं कहा और अंदर जाकर लेट गई। शोभा ने कुछ भी नहीं कहा और खाना खाकर किचन साफ कर वो भी अपने बिस्तर पर लेट गई। शोभा थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें सोचकर जल्दी ही सो गई, लेकिन खुशी की आंखों में नींद नहीं थी, वो इधर उधर करवटें बदल रही थी। किसी तरह उसने अपने मन को शांत किया, घड़ी को देखा तो रात के 10 बज रहे थे। परीक्षा की याद आते ही वो उठी और स्टडी टेबल पर बैठ गई। थोड़ा बहुत पढ़ाई करके उसने अपनी खिड़की खोल दी। जैसे ही उसने खिड़की खोली, बाहर से एक ठंडा हवा का झोंका अंदर आया। बाहर की हवा के साथ ही अंदर आई एक अजीब सी खुशबू, खुशबू मानो कोई अच्छा सा इत्र हो। खुशी के मन में ख्याल आया कि ये खुशबू यहाँ कहाँ से आ रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। उसने अपनी चेयर पीछे करी और आंखें आराम से बंद कर ली। चेयर पर सर रखने से उसका बंद जूड़ा खुल गया और उसके खुले बाल चेयर से नीचे तक लहराने लगे। अचानक से एक तेज़ हवा का झोंका आया और उसे कुछ सुनाई दिया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसे हवा के झोंके में अपना नाम खुशी सुनाई दिया। खुशी ने आंखें खोलकर देखा तो कुछ भी नहीं था, शोभा गहरी नींद में खर्राटे ले रही थी। खुशी ने फिर से आंखें बंद की और वो आवाज़ दोबारा आई। खुशी ने आंखें खोली और सामने सड़क पर देखा तो हैरान रह गई। सामने कच्ची सड़क पर ऋषभ खड़ा था। खुशी ने अपना वहम समझकर आंखों को मसला, लेकिन वह ऋषभ ही था। पलक झपकते ही वो खिड़की के पास आ गया। खुशी उसे देखती रह गई और फिर उसने कहा, खुशी मुझे दरवाज़ा खोलकर अंदर आने दो। वह खुशी को देखता जा रहा था और खुशी भी उसकी नीली आंखों में बिल्कुल खो गई थी। खुशी अचानक से उठी और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कर क्या रही है। ऋषभ अब अंदर आ चुका था और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से शोभा जाग गई थी। दरवाज़ा खुला देखकर बोली, क्या हुआ बेटा, दरवाज़ा क्यों खोला, मम्मी आ गई क्या? मानो खुशी अचानक से नींद से जाग गई और चौंकते हुए बोली, दरवाज़ा किसने खोला? ऋषभ को सामने सोफे पर बैठा देखकर बोली, तुम अंदर कैसे आए, तुमने ही तो अंदर आने दिया, ऋषभ ने एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा। मैं भला तुम्हें अंदर क्यों बुलाऊंगी, खुशी ने इस बार थोड़ा गुस्से से कहा। अब आ गया तो आ गया, आया तुम्हारी मर्जी से हूँ, जाऊँगा अपनी मर्जी से। ऋषभ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। जाते हो या फिर पुलिस को फ़ोन करूँ? खुशी का गुस्सा और बढ़ गया। बुला कर देख लो, पुलिस मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। वह फिर से मुस्कुराया और उठकर खुशी के करीब आ गया। दूर रहो मुझसे, खुशी ने उसे धक्का देते हुए कहा, पर वो खुशी के और करीब आ गया। उसने अपनी उंगली से खुशी के चेहरे पर आ रहे बाल को पीछे कर दिया। खुशी 2 कदम पीछे और हट गई। यह सब शोभा चुपचाप देख रही थी और सबसे डरने वाली बात यह थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुशी अकेले में क्या कर रही है। आखिर अकेले खड़ी होकर वो किस पर गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उसे वहाँ पर खुशी के अलावा कोई और नहीं दिख रहा था। शोभा परेशान हो गई, खुशी नींद में तो नहीं चलती, लेकिन आज ये सब क्या हो रहा है। शोभा उठी और खुशी के पास आ गई। सामने जो हुआ, खुशी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। शोभा ऋषभ के आर पार निकलकर
खुशी से बात कर रही थी। क्या हुआ बेटा, यह सब क्या बोल रही हो? खुशी शोभा को नहीं सुन रही थी, वो बस ऋषभ को बड़ी बड़ी आंखों से घूर जा रही थी। वो शोभा से पीछे हट गई और ऋषभ शोभा को हवा की तरह पार करके खुशी के पास आ गया और खुशी के चेहरे को छूकर कहा, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। खुशी अब समझ गई थी कि ऋषभ कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा था। वो तुरंत ही बेहोश हो गई और जैसे ही गिर रही थी ऋषभ ने उसे थाम लिया। असल में वो बेहोश होकर हवा में लटकी हुई थी। शोभा के तो होश ही उड़ गए और शोभा भी ज़मीन पर नीचे बेहोश होकर गिर गई। खुशी को गोद में उठाकर ऋषभ ने बिस्तर पर लिटा दिया और खुद चेयर पर बैठकर उसे देखता रहा। सुबह जब दोनों की आंखें खुली तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन जो रात में हुआ था वो कोई सपना नहीं था। शोभा अभी भी डर कर नीचे बैठी थी। खुशी ने कहा, आंटी पानी, और उसने अचानक से सामने देखा तो हैरान रह गई। सामने ऋषभ पानी का ग्लास लिए खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। खुशी डर कर शोभा को देखने लगी। शोभा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी चेयर खिसकने की आवाज़ के साथ खुशी के बेड के पास रुकी और यह शोभा ने देखा, लेकिन ऋषभ उसे अब भी नहीं दिख रहा था। शोभा की मानो बोलती ही बंद हो गई। वो अपने मुंह से ना तो कुछ कह पा रही थी और ना ही अपनी जगह से हिल पा रही थी। ऋषभ चेयर पर बैठ गया और खुशी से बोला, जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। जब तुम पेड़ों को देख रही थी मैं तुम्हें देख रहा था। तुम बहुत ही अच्छी हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उस रास्ते से बहुत लोग आते हैं लेकिन तुम्हारे ऐसा कोई नहीं आया। तुम प्लीज़ मुझे छोड़कर चले जाओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खुशी की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम डरो मत, मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा, बस तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो उसे मरना होगा। तुम्हारे बाल बहुत ही अच्छे हैं, उसने खुशी के बाल छूकर कहा। खुशी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। जो उसने कल कहानी सुनी थी वही उसके साथ आज हकीकत में हो रहा था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया है। तभी बाहर अचानक से गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। दीपक और आरती आ गए थे। शोभा भागकर उनके पास गई। शोभा के बाहर जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। शोभा ने सब कुछ बताया जो कुछ भी हुआ था। दोनों दरवाजे पर आए लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था, जो कि नहीं खुल रहा था। दीपक और आरती खुशी को आवाज़ दे रहे थे लेकिन ना तो कोई आवाज़ अंदर से बाहर जा रही थी और ना ही बाहर से कोई आवाज़ अंदर। खुशी पूरी तरीके से अपने घर में कैद हो गई थी। खुशी अपने ही घर में कैद थी। ऋषभ जो कि एक आत्मा है, उसे प्रेम हो गया है एक जीती जागती लड़की से। ऋषभ की सुंदरता की तरफ खुशी भी आकर्षित हुई थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि ऋषभ इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। हालांकि ऋषभ खुशी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, लेकिन है तो एक प्रेत ही, भला एक लड़की किसी प्रेत से कैसे प्रेम कर सकती है? खुशी डर से दुबक कर सोफे के एक कोने से चिपकी हुई थी। ऋषभ खुशी को डराना नहीं चाहता था, इसीलिए अब भी वो एक सामान्य मनुष्य की तरह दिख रहा था, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, उल्टे पैर, हवा के ऊपर तैरता हुआ, पूरी काली या फिर पूरी सफ़ेद आँख, कटा फटा गंदा सा चेहरा या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था। ऋषभ एक आकर्षक युवक दिख रहा था जिसे देखकर सामान्यतः कोई भी आकर्षित हो जाए, लेकिन यह सब केवल खुशी देख पा रही थी। इसके अलावा ना तो किसी और को वो दिखाई दे रहा था और ना ही सुनाई, मगर उसके होने का एहसास सबको था। ऋषभ खुशी के पास आकर बैठ गया। उसके चलने की कोई आवाज़ नहीं थी। खुशी घुटने को गर्दन में घुसाकर बैठी हुई थी। उसके खुले बाल गालों के दोनों तरफ लटक रहे थे। वह घुटनों पर अपना सर टिकाए डर से भरी आंखों से ऋषभ को देख रही थी।
सर्दी का मौसम होते हुए भी उसके माथे से पसीना टपक रहा था। ऋषभ खिसक कर खुशी के करीब आ गया। अपनी उंगली से उसने खुशी के बाल, जो कि चेहरे के पास आकर उसके चेहरे को ढक रहे थे, उन्हें पीछे कर दिया। अब खुशी का पूरा चेहरा दिख रहा था, जो कि डर से कांप रही थी। फिर उसने चेयर पर रखे तौलिये को देखा और हाथ आगे बढ़ाया। अगले ही पल तौलिया ऋषभ के हाथ में आ गया। यह सब खुशी के लिए जादू जैसा था, लेकिन एक प्रेत के लिए सामान्य। प्रेत ऋषभ ने तौलिये से खुशी का पसीना साफ करते हुए कहा, देखो तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तुम पसंद हो और तुम मेरी पसंद तुम्हारे जीते हुए भी हो और तुम्हारे मरने के बाद भी रहोगी। खुशी ने डर से झटके से सांस अंदर ली। ऋषभ ने खुशी के बाएं गाल पर हाथ रखकर कहा, तुम डर क्यों रही हो, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जब तक तुम जिंदा रहोगी बस तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। लेकिन अगर कोई तुम्हारे और मेरे बीच आया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यह कहते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और ऐसा लगने लगा जैसे उनमें से आग निकल जाएगी। यह सब देखकर खुशी की आंखों से आंसू आ गए। खुशी के आंसू देखकर ऋषभ पल में बिल्कुल सामान्य हो गया। फिर ऋषभ ने हाथ आगे बढ़ाया और खुशी को घूरने लगा। खुशी के दिल की धड़कन, जो कि अभी बहुत तेज़ हो गई थी, अचानक से नॉर्मल हो गई। ऋषभ थोड़ा अजीब सी मुस्कान लिए कहा, तुम जानना नहीं चाहोगी मेरे बारे में? खुशी का मानो डर थोड़ा कम सा हो गया और उसने कहा, तुम एक प्रेत हो, इतना कम जान रही हूँ क्या? हाँ मैं एक प्रेत आत्मा हूँ, लेकिन मरने से पहले तो मैं भी इंसान ही था ना, ऋषभ ने इस बार थोड़ा दुखी मन से कहा। खुशी को एहसास हुआ कि ऋषभ के साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ है। उसे ऋषभ की कहानी जानने की उत्सुकता सी हुई और उसने दुखी भाव से पूछा, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? खुशी की इस आवाज़ में उसे थोड़ा अपनापन सा लगा और ऋषभ भावुक हो गया और फिर उसने अपनी कहानी बतानी शुरू करी। मेरा परिवार बहुत अच्छा था, छोटी बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसका सपना था कि वो डॉक्टर बन जाए। ग्रेजुएशन के बाद मैंने आर्मी ज्वाइन की और मैं आर्मी में मेजर पोस्ट पे आने वाला था। वह सड़क जहाँ तुम मुझे मिली थी वो हमारी ज़मीन है और जो कि पूरे के पूरे 20 एकड़ की है। वो ज़मीन बहुत उपजाऊ थी। कानून के मुताबिक किसी भी उपजाऊ ज़मीन पर फैक्ट्री नहीं बननी चाहिए। देश और मिट्टी के प्रति प्रेम के कारण ही मैंने आर्मी ज्वाइन की थी, तो भला मैं अपनी मिट्टी कैसे बेच देता? उन लोगों ने हमारे परिवार पर उस ज़मीन को बेचने के लिए काफ़ी दबाव बनाया, लेकिन हमारे पूरे परिवार ने इनकार कर दिया। कई दिनों तक उन लोगों ने हमें डरा धमका कर ज़मीन लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर उन लोगों ने हार मानकर ज़मीन के लिए हमें परेशान करना बंद कर दिया। धीरे धीरे हम सब की लाइफ नॉर्मल हो गई। मैं बॉर्डर पर वापस चला गया। मेरी छोटी बहन अनुष्का भी कॉलेज आने जाने लगी। 6 महीने बाद अनुष्का ने दादी से कहा कि वो किसी से प्यार करती है। हम सभी अनुष्का को बहुत लाड़ प्यार से रखते थे। अनुष्का के लिए हम उस लड़के से मिलने को तैयार हो गए। वो लड़का भी नेक और शरीफ था, लेकिन उसने बताया कि वो अनाथ है, अनाथालय में पला बड़ा है, शहर के अनाथालय संसार में। हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। पापा एक सीधे साधे इंसान थे, लेकिन मैं आर्मी माइंडेड था। मैंने अनाथालय से पूछताछ करवाई। लड़के के बताए अनुसार अनाथालय से मेरी सारी जानकारी ठीक साबित हुई। हमने 1 महीने बाद की तारीख शादी के लिए तय कर दी। उससे पहले उस लड़के ने, जिसका नाम आशीष था, सगाई करने के लिए कहा। सबने हाँ कह दी। आशीष ने कहा कि सगाई हम सब परिवार के बीच करेंगे और शादी भी अच्छे ढंग से करेंगे। सभी को ये सुझाव अच्छा लगा। आशीष ने कहा कि सगाई
वो अपने अनाथालय में करना चाहता है। अनाथालय जाने के लिए मिनी बस लाई गई। ज़रूरत का सारा सामान रखकर हमारा पूरा परिवार बस में बैठ गया। बस में उस समय हम सभी थे, मम्मी, पापा, दादा, दादी, बुआ, फूफा जी, उनके दो बच्चे, मैं और अनुष्का। लेकिन अचानक से बस अनाथालय जाने की जगह हमारे खेत की तरफ मुड़ गई। हम सब इतने खुश थे कि बदलते रास्ते पर ध्यान ही नहीं दिया। बाहर अंधेरा था इसीलिए और ध्यान नहीं गया, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह ही घर से निकल गए थे। अचानक बस सुनसान सड़क पर रुकी और जैसे ही बस रुकी, ड्राइवर नीचे उतरा और हमने हैरानी से देखा कि बाहर एक बाइक खड़ी थी जिसमें चाबी भी लगी थी। उस बाइक को लेकर वो ड्राइवर तुरंत ही भाग गया। इतने में मैं कुछ समझ पाता, इतने में ये सब कुछ हो गया था। हम इतना तो समझ गए थे कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। हम सभी इतने में नीचे उतरे तो देखा सामने चार कार खड़ी थी, जिसमें बैठे सभी आदमी हथियार लिए थे। हम सगाई के लिए निकले थे, इसीलिए हमारे पास कोई भी हथियार नहीं था। आशीष असल में उस इंसान का बेटा था जिन्हें वो ज़मीन चाहिए थी, और यह पूरी की पूरी प्लानिंग उन सब लोगों की थी। आशीष ने अनुष्का को अपनी तरफ खींचकर उसके सर पर गन रख दी और कहा, अगर कोई चालाकी की तो ये तो गई। उसने हवा में एक राउंड फायरिंग भी की, जिससे सभी लोग डर गए थे। फिर ना चाहते हुए भी उसके पापा ने दादाजी से प्रॉपर्टीज़ के पेपर पर साइन करवा लिए। दादाजी के सिग्नेचर करते ही उसने अनुष्का पर गोली चला दी और फिर हम सब पर इतनी गोलियां चलाई गई कि हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सभी लोग धोखे का शिकार हुए। इसके बाद उन लोगों ने हमारी लाशों को उन सात पेड़ों के नीचे दफना दिया जो हमारे खेत में ही थे। उस ज़मीन का कोई वारिस नहीं बचा। उन लोगों ने अगले ही दिन खबर फैला दी कि हमारा परिवार ज़मीन बेचकर कहीं और चला गया है। इतनी बड़ी घटना हो गई थी, लेकिन किसी को कानों कान खबर भी नहीं चली। उन लोगों ने इसके बाद हमारी ज़मीन पर फैक्ट्री बनाना चाही, लेकिन जो हम जीते जी नहीं रोक पाए वो हमने मरने के बाद भी नहीं होने दिया। तब से हम सबकी आत्मा उसी जगह पर रहती है। खुशी यह सब सुनकर एक झटके में ही मानो रो पड़ी, क्योंकि वो दिल से बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और सबकी मदद करने वाली थी। खुशी ने ऋषभ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें आत्मा जीवन से मुक्त कराऊंगी। पहले मैं मुक्त होना चाहता था, लेकिन जब से तुम्हें देखा है यह आत्मा रूप भी मंजूर है। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। मरने के 2 साल बाद मुझे थोड़ी सी खुशी मिली है। उसके ये शब्द सुनते ही खुशी एक बार फिर से डर से 2 कदम पीछे हट गई। धोखे से की गई हत्या के कारण वहाँ मौजूद आत्माओं में बस क्रोध और द्वेष था, लेकिन जब से ऋषभ ने खुशी को देखा तो उसके मन में प्रेम की भावना प्रबल हो गई थी। अच्छी कहें या बुरी खबर, लेकिन वहाँ मौजूद सभी आत्माएं ऋषभ का हर कहा मानती थीं। इस समय वहाँ की कुछ आत्मा ऋषभ के आसपास ही थी, और मानो ऋषभ उस समय उन सब का बॉस था, और जैसे ही वो उन्हें कुछ कहता वो उसे करने के लिए तैयार हो जाती। इस बात का एहसास अभी तक किसी को भी नहीं था। आरती, दीपक और शोभा आंटी के साथ बाहर ही खड़े थे और अंदर जाने की असफल कोशिश कर रहे थे। दीपक ने खिड़की के कांच ऐसे लगवाए थे जिनके अंदर से सब दिखता था, लेकिन बाहर से अंदर कुछ भी नहीं। आज दीपक को इसी बात पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता चल रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। खुशी ने अपने परेशान मम्मी पापा को देखकर ऋषभ की ओर याचना भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, क्या ये प्यार है जो उस इंसान को तकलीफ दे जिसे प्यार करने का दावा करता है? नहीं, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करो। मेरे मम्मी पापा को मुझसे दूर करके, मुझे यहाँ कैद करके तुम तकलीफ ही तो दे रहे हो, कहते हुए खुशी दुख से सोफे पर बैठ गई। नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूंगा। उसके ये कहते के साथ ही दरवाज़ा धड़ाम से खुल गया।
दरवाज़ा खुलते ही आरती दीपक भागकर अंदर आ गए, उसके पहले कि दरवाज़ा फिर से बंद हो। अंदर आते ही दोनों खुशी से लिपट गए और खुशी की जांच करने लगे कि उसे कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा। खुशी बिल्कुल ठीक और सुरक्षित थी। ऋषभ उनसे दूर हटकर खुशी को प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। खुशी भी उसे ही देख रही थी। इस वक्त वह बिल्कुल सामान्य लड़के की तरह दिख रहा था, जैसे कोई आर्मी मैन दिखता है, और वो भी जिंदा। लेकिन ऋषभ को बस खुशी देख रही थी और किसी को भी वो नज़र नहीं आ रहा था। खुशी सब कुछ अपने घर वालों से बताना चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी कि ऋषभ वहाँ पर ना हो। सब कुछ इस समय नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन ऋषभ असल में लगातार खुशी के आसपास था और उसे देख रहा था। बस उस समय नहीं जब वह वॉशरूम में होती या फिर कपड़े बदल रही होती। आत्मा होने के बावजूद भी वो सभ्य था और उसका सम्मान कर रहा था। शोभा उस दिन के बाद लौटकर नहीं आई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। आरती दीपक जानते थे कि एक प्रेत उनके साथ रहता है, जिसकी नज़र हर पल उन पर और उनकी बेटी पर है। दो दिन बीत गए। ऋषभ ना उन्हें कहीं जाने देता है और ना ही किसी को अंदर आने देता है, लेकिन घर में उन्हें किसी चीज़ की कमी भी नहीं होने देता है। उन्हें वह कोई तकलीफ ना खुद देता है और ना ही होने देता है। फिर भी ऐसे माहौल में जीना किसी के लिए भी मुश्किल है। सब कुछ होते हुए भी एक प्रेत के साए में रहना बिल्कुल आसान नहीं है, जिसमें कि इतनी शक्ति है कि वह कुछ भी कर सकता है, जो घर बैठे हर बात को कंट्रोल कर सकता है। दीपक और आरती खुशी से ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे। घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा भयानक था। भले ही वह कितना ही अच्छा बन रहा हो, लेकिन करता अपनी मनमानी ही। एक दिन आरती ने खुशी से कहा, ऋषभ बस तुम्हें क्यों दिखता है? अगर उसे तुमसे प्यार है तो हमसे भी तो बात करनी चाहिए, हम तुम्हारे माता पिता हैं। अपनी एक आँख दबाकर उसने कुछ इशारा किया। खुशी ने हामी भरी, हाँ ऋषभ, ऐसा क्यों है? तुम मम्मी पापा को क्यों नहीं दिखते हो? तुमने कहा था मेरे साथ रहोगे तो मेरे अपनों को भी तो अपनाओ। वह खामोशी से सुनता रहा। फिर उसके आसपास एक धुंध सी फैल गई। धुंध और गहरी होती गई, इतनी गहरी कि अब वह खुशी को भी नज़र नहीं आ रहा था। यह धुआं आरती और दीपक देख पा रहे थे। फिर वह धुआं धीरे धीरे हटने लगा और हल्के होते धुएं के साथ ऋषभ सबको नज़र आने लगा। आरती और दीपक आँख खोलकर बस देखते ही रह गए। वो इतने आकर्षक रूप में आया था कि अगर वह प्रेत ना होकर जीवित होता तो वे दोनों पूरी धूमधाम से खुशी की शादी उससे कर देते। आरती ने दीपक की तरफ देखा। कुछ बात थी जो उनमें इशारों में चल रही थी। इस बात का पता ना ही खुशी को था और ना ही ऋषभ को। आखिरकार दोनों के दिमाग में क्या चल रहा था? उन्होंने ऋषभ से बहुत अपनेपन से बात करनी शुरू करी। ऋषभ भी नॉर्मल तरीके से उनसे पेश आ रहा था। कोई अनजान यह समझ भी नहीं सकता था कि इस परिवार में दिखने वाला हैंडसम लड़का जीवित भी नहीं है, बल्कि एक प्रेत है। ऋषभ अब सभी को नज़र आता है। उसने अपनी पूरी कहानी दीपक आरती को भी सुनाई। दीपक आरती को भी उसके साथ हुए अन्याय के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। उनकी हत्या में शामिल लोगों की असामान्य तरीके से मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। आशीष, जो इस घटना का मुख्य आरोपी था, वह डर से फॉरेन कंट्री में जाकर बस गया था। बस एक आखिरी इंसान वही था जो इस घटना से जुड़े होने के बावजूद भी जिंदा था। शायद यही कारण था जो कि इन सब आत्मा की अब तक मुक्ति नहीं हो पाई थी, क्योंकि उन्हें आशीष का इंतज़ार था। ऋषभ उनके साथ नॉर्मल रूप से ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उनके परिवार का ही मेंबर हो। प्रेत खा तो नहीं सकता था, लेकिन उनके साथ खाने की टेबल पर हर रोज़ बैठता और खुशी को देखा करता था बहुत ही अजीब नज़रों से। पहले खुशी को बहुत ही अजीब लगता था, लेकिन हफ्ते बीतने के बाद उसके लिए यह नॉर्मल हो गया था। महीने भर से तीनों में से कोई भी
घर से बाहर नहीं गया था। उनकी ज़रूरत की चीज़ें बस नाम लेने के कुछ समय बाद ही अब नॉर्मल तरीके से उनके सामने आ जाती थी। एक सुबह अचानक एक भयानक चीख के साथ खुशी की आँख खुली और वो आवाज़ उसकी मम्मी आरती की थी, जो कि दर्द से कराह रही थी। खुशी भागकर आरती के पास गई। ऋषभ भी वहीं खड़ा आरती को दर्द से कराहते हुए देख रहा था। दीपक आरती के सिरहाने बैठा बहुत ही परेशान दिख रहा था। खुशी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह गुस्से से ऋषभ की तरफ पलटी और बोली, क्यों परेशान कर रहे हो मेरे परिवार को? तुम्हें मेरे साथ रहना है, जो कि नामुमकिन है। जिंदा कभी किसी मुर्दा के साथ नहीं रह सकता। तुम जीवित ही नहीं हो सकते, तो इसीलिए मुझे मार दो, लेकिन मेरे मम्मी पापा को आज़ाद कर दो। उसकी आंखों से आंसू लगातार निकले जा रहे थे। खुशी को रोता देख ऋषभ बहुत ही परेशान हो गया। खुशी के पास आकर उसने उसके आंसू पोंछे और बोला, खुशी तुम रो नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तुम्हें ऐसे रोता देखकर। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऋषभ के ऐसा कहने के बाद ही मेन डोर खटाक की आवाज़ के साथ खुल गया। दीपक की कार दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका दरवाज़ा एक आवाज़ के साथ खुल गया। कार स्टार्ट होकर खड़ी थी, दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन उसके अंदर कोई भी नहीं था। एक महीने से जो भी हो रहा था उसके हिसाब से उनके लिए ये सब ज़्यादा अजीब नहीं था। ऋषभ ने खुशी से कहा, खुशी मम्मी पापा को बिठाओ, हम सब हॉस्पिटल चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। दीपक ने कहा, नहीं तुम दोनों घर पर ही रहो, मैं आरती को लेकर चला जाता हूँ। नहीं पापा, मैं भी चलूँगी, खुशी ने रोते हुए कहा। नहीं बेटा, समझा करो, अगर कोई परेशानी हुई तो शायद हमें हॉस्पिटल में रुकना पड़ सकता है, दीपक ने खुशी को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा। खुशी को कुछ समझ नहीं आया, पर पापा की बात मानते हुए वो चुप हो गई। दीपक ने आरती को गोद में उठाया, उसे गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए जा ही रहा था कि ऋषभ ने कहा, आप पीछे की सीट पर बैठ जाइए। क्यों? दीपक ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। पापा ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और वो आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, ऋषभ ने कहा। क्या? प्लीज़ मेरी पत्नी बीमार है, उसे ले जाने दो, दीपक ने दुख से अपना सर पकड़कर कहा। प्लीज़ हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, मम्मी को हॉस्पिटल जाने दो, खुशी ने घुटने के बल बैठकर ऋषभ से रोते हुए कहा। ऋषभ खुशी को रोता देखकर परेशान हो जाता था, इसीलिए उसने दीपक की बात मान ली और दीपक आरती को अकेले जाने दिया। दीपक और आरती वहाँ से निकल गए और सीधा गए शोभा के घर। ऋषभ और उसके साथ के अन्य प्रेतों से बचकर आरती और दीपक सीधे शोभा के घर पहुँचे थे। शोभा दीपक के घर से लौटकर डरी सहमी बैठी नहीं थी, बल्कि पता लगा रही थी उस योगी का, जिसका जिक्र उसने कुछ समय पहले खुशी से किया था। आरती दीपक अंदर आए। शोभा सब कुछ पहले से जानती थी, इसीलिए उसे कुछ बताना या समझाना नहीं था। इसके साथ ही वह समझदार भी थी और खुशी से उसका गहरा लगाव था। ऋषभ को खुशी की ज़िंदगी में आए महीना भर हो गया था। जब से शोभा उस घर से बाहर आई थी, तब से ही वह उस प्रेत से छुटकारा पाने के उपाय ढूंढ रही थी। इस बात को शोभा ने फैलने भी नहीं दिया था, फिर भी लोगों में कानाफूसी तो शुरू हो ही गई थी। एक महीने का वक्त कम नहीं होता किसी परिवार को किसी से ना मिले। फैक्ट्री का सारा काम दीपक घर से ही फ़ोन पर बात करते हुए करता था। यह आसपास के लोगों के लिए रहस्य था, जिसे केवल शोभा जानती थी, और उसने ये राज किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था। जाने क्या प्रभाव पड़ेगा इसका खुशी पर, वो सोचकर डर जाती थी। शोभा दीपक आरती को एक अकेले कमरे में बैठाकर वो चाय नाश्ता लेने गई। जानती हूँ उस समय आप दोनों का चाय नाश्ते का मन नहीं होगा, लेकिन लोगों को कुछ खबर ना हो, ये बस इस बात का दिखावा है। मैं कुछ भी करके खुशी को उस प्रेत से आज़ाद करवा के रहूँगी, भले ही इसमें मेरी जान चली जाए, शोभा एक क्रोध से अपना आंचल समेटते हुए बोली। पर शोभा मासी, कैसे पाएंगे हम उस प्रेत से छुटकारा, आरती ने चिंता भरे स्वर में कहा और अपनी आंखें शोभा पर टिका दी।
बेटा, मैं इतने दिनों से खामोश नहीं बैठी थी। बहुत छानबीन के बाद कल ही मुझे उन जोगी के बारे में पता चल गया था, शोभा ने फुसफुसाते हुए कहा। दोनों के कान और आँख शोभा पर लगी हुई थी। शोभा ने अपनी बात जारी रखी। अच्छा हुआ कि आज ही आप दोनों आ गए, मैं बस उनसे मिलने के लिए निकलने ही वाली थी। अब आप दोनों साथ ही चलेंगे तो सारी बात अच्छे से हो जाएगी। वो पहाड़ी पर एक मंदिर में ठहरे हुए हैं पिछले कुछ दिनों से। इस समय किसी तरह वो प्रेत से छुटकारा चाहते थे, इसलिए बिना कुछ सवाल किए चुपचाप वो गाड़ी में बैठ गए। शोभा ने खुशी का दुपट्टा ले रखा था जो कि वो उसी दिन खुशी के पास से ले आई थी। दीपक चुपचाप गाड़ी उस स्थान पर ले गया जहाँ शोभा ने बताया। वो मंदिर बहुत पुराना था, वहाँ कम ही लोग आते जाते थे। मंदिर साफ दिख रहा था जहाँ वो रुका हुआ था। उस मंदिर के अंदर सब कुछ बहुत ही शांत था। बाहर ठंड थी, हवा तेज थी और अंदर अजीब सी धुंध छाई थी। जोगी एक टाट के बोरे पर लेटा हुआ था और उसके सिरहाने पर गुलाबी दुपट्टा रखा हुआ था। आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा वीरानापन। अंदर पहुंचते ही जोगी ने आंख बंद किए हुए ही कहा, देर से आए मगर समय रहते आ गए, बैठो। ये कहकर उन्होंने अपनी आंखें खोली और पालथी मारकर बैठ गए। जाहिर सी बात है कि बिना कहे उन्हें काफ़ी कुछ पता था। उन्हें ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था और ना ही बीच बीच में बोलने वाले। शोभा ने अपनी सारी जानकारी रास्ते में दीपक और आरती से कह दी थी। जोगी ने हाथ बढ़ाकर दुपट्टा हाथ में लिया जो कि खुशी का था। दुपट्टा हाथ में रखकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर शांति के बाद जब आंखें खोली तो उनके चेहरे पर एक शांति थी। बाहर धुंध और ठंड थी, हवा तेज थी, फिर भी अंदर मंदिर ही नहीं उनके चेहरे पर भी बिल्कुल शांति थी। तेज चल रही हवाओं का अंदर जल रहे दीपक पर कोई असर नहीं था और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने बोलना शुरू करा। इस दीपक को और बाहर चलती हवाओं को देख रहे हो? यह दीपक मेरे मन का प्रतीक है। बाहर की तेज हवा इसे डिगा नहीं सकती, यह स्थिर है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। विपत्ति के समय जितना अपने मन को स्थिर और शांत रखोगे उतने ही आसानी से उस विपत्ति का सामना कर सकोगे। इसीलिए घबराओ नहीं, मन को शांत करो। इतना कहकर उन्होंने अपने पास रखे मोर के पंख से तीनों के सर पर हाथ फेरा। तीनों के मन में हो रही हलचल अचानक से मानो शांत थी, जैसे कितने दिनों बाद उन्हें बिल्कुल राहत सी मिली हो। फिर से उन्होंने बताया, उस प्रेत की अधूरी इच्छा कोई नहीं है, वह अकेला नहीं है, बल्कि आपके घर पर प्रेतों का पूरा परिवार बसा हुआ है। उनकी हत्या करने वालों में से केवल एक इंसान अभी जीवित है, उनका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए वो मुक्त तो नहीं हुए। अब इस समय यदि उस हत्यारे की भी मृत्यु हो जाए तो भी ये आत्माएं मुक्त नहीं होंगी, क्योंकि अब इनकी इच्छा बदल गई है। खुशी के साथ उस प्रेत का गहरा प्रेम है जिसे इतनी आसानी से वो छोड़कर नहीं जाएगा। उसे खुशी पर अपना अधिकार लगता है। और ये बोलते हुए वो जोगी बहुत सीरियस हो गया था। फिर क्या करें गुरुजी? दीपक आरती ने एक स्वर में पूछा। उसे खुशी से इतना प्रेम है कि वह ना उसे छोड़ना चाहता है और ना ही कोई हानि पहुंचाना चाहता है, लेकिन यदि कोई खुशी को तकलीफ देता है या खुशी को उस प्रेत से अलग करने की कोशिश करता है तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। वह कोई एक प्रेत नहीं बल्कि प्रेतों का पूरा एक समूह है। मुझे आपके घर चलना होगा। वह सभी प्रेत बस अपना बदला लेना चाहते थे और किसी को भी उन्होंने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है। हम कोशिश कर सकते हैं उन्हें प्यार से मनाने की, जोगी ने एक विश्वास के साथ कहा। फिर अब क्या गुरुजी? शोभा ने बाहर की अजीब सी धुंध को घूरते हुए पूछा। इनसे घबराओ नहीं, ये नेक आत्माएं हैं,
ये वो हैं जो कि हमारी मदद करेंगी। इनके साथ होने के कारण ही मेरे आसपास का वातावरण अलग रहता है, जोगी ने शांति भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर उस जोगी ने अपना अजीब सा गेरुआ थैला उठाया और पास रखे दुपट्टे को कंधे पर रखा और मंदिर से बाहर आ गया। उसके पीछे पीछे तीनों आए और साथ ही साथ वह धुंध और ठंडी हवा भी उनके साथ ही चल रहे थे, जैसे कि यह मौसम बस उनके लिए ही बना था जो उनके आसपास ही रहता था। वह किसी गाड़ी वाहन का प्रयोग नहीं करते थे। उन्होंने कहा, तुम सभी कार में घर की तरफ निकलो, मैं पहुंच जाऊंगा। तीनों को सवाल करना सही नहीं लगा, वो चुपचाप कार में घर के लिए चल दिए। पीछे मुड़कर देखा तो वह धीरे धीरे कदमों से चलकर आ रहे थे। फिर कुछ देर बाद जब फिर से देखा तो ना तो वहाँ पर वो थे और ना ही कोई धुंध। वह कुछ निराश सा हो गए कि अब क्या होगा। घर के सामने पहुँच कर देखा तो वह जोगी पहले से ही वहाँ पर खड़े थे और घर को देख रहे थे। वहाँ देखकर उन्हें तीनों की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उनके पास आते ही जोगी ने कहा, मैं मन की गति से चलता हूँ, उतना तेज जितना तुम्हारा मन, चिंता मत करो, मन को शांत रखो। फिर कुछ बुदबुदाते हुए अपनी झोली में हाथ डाला, हाथ में कुछ राख जैसा था। लगातार कुछ बुदबुदाते हुए उन्होंने उस राख से पूरे घर के आसपास एक रेखा बना दी और फिर तेज स्वर में चीख मारी, यह तुम्हारी लक्ष्मण रेखा नहीं, शिव रेखा है, जो कि एक शिव भक्त ने शिव की भभूत से खींची है। इस रेखा से तुम क्या बड़े से बड़ा शैतान ना बाहर जा सकता है और ना अंदर आ सकता है। तुम सबकी सारी शक्ति बस इस रेखा के अंदर तक ही सीमित है, बाहर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। रेखा के अंदर का मौसम अब अचानक से बदल गया। शाम का समय था लेकिन अंदर घनघोर काली स्याही रात लग रही थी। एक भवंडर सा उठ रहा था लेकिन सब बस रेखा के अंदर, बाहर सब कुछ शांत था। जाहिर सी बात थी, सभी आत्माएं एक साथ क्रोध से भर गईं, क्योंकि आरती दीपक ने धोखा किया था। सारा क्रोध उन दोनों पर ही था लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। अंदर खुशी उन प्रेतों के साथ अकेली थी लेकिन अपने डर को जोगी से छिपा रही थी, क्योंकि उनका जोगी पर विश्वास होना बहुत जरूरी था। सभी प्रेत अपना गुस्सा उस भयानक तूफान के जरिए प्रदर्शित कर रहे थे। फिर उस जोगी ने अपनी झोली से एक शिवलिंग निकाल कर और गंगाजल को पास की ज़मीन पर छिड़क कर वहाँ शिवलिंग रख दिया। फिर उस शिवलिंग के पास 9 दीपक जलाए। उन दीपक से निकल रही ज्योति में एक छाया सी प्रतीत हो रही थी, जैसे वो सभी 9 देवी के 9 रूप हों। उन ज्योति के जलने के साथ ही सभी आत्माएं मनुष्य रूप में उस रेखा के अंदर सभी को नजर आने लगीं। उन सभी की आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। सभी गुस्से से बाहर देख रहे थे, जैसे अगर यह रेखा ना होती तब अपनी शक्ति दिखाते, लेकिन उस समय वो उस रेखा में कैद थे। साथ ही इस ज्योति के साथ सभी उन्हें देख रहे थे। ऋषभ उन सबसे अलग दरवाजे पर खड़ा क्रोध से देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे उतरा और रेखा के बिल्कुल पास आ गया और खड़ा हो गया, क्योंकि उसे पार करके आना उसके बस में नहीं था, और गुस्से से चिल्लाया, चले जाओ यहाँ से, मैं प्यार करता हूँ उससे, वो सिर्फ मेरी है। गुस्से से उसकी आँखें मानो अंगार सी लाल हो गई। अंदर की हवा और तेज़ी से चलने लगी। स्याही रंग का आसमान पूरी तरीके से काला हो गया था, जैसे कि घनघोर अंधेरी रात हो, और रेखा के बाहर अभी भी शाम थी। यह सचमुच एक भयानक, दिल दहला देने वाला नज़ारा था। सभी आत्माएं गुस्से से घूर रही थी, जबकि जोगी शांत स्वर से कोई मंत्र पढ़ रहा था। उनकी आँखें भी बंद थी। थोड़ी देर में धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली। ऋषभ की दहकती आंखों में देखकर बहुत ही शांत भाव से पूछा,
प्रेम क्या है तुम्हारे लिए। उसकी गुस्से से लाल दहकती हुई आंखें एकदम शांत हो गईं। उसके चेहरे पर अब खुशी के लिए प्रेम झलकने लगा। ऋषभ की नीली आंखों में अब कोई भी गुस्सा नहीं दिख रहा था, बस दिख रहा था खुशी के लिए उसका प्यार। फिर उसने कहा, प्यार खुशी है, उसके लिए कुछ भी करूँगा मैं। यह कहते हुए उसका प्रेम उसकी नीली आंखों में साफ दिख रहा था। तो उसे अपने झूठे प्रेम के बंधन से मुक्त कर दो, जोगी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अपने प्रेम को झूठा सुनकर एक बार फिर से वो गुस्से से भर गया और ज़मीन से ऊपर उठकर हवा में तैरने लगा, जैसे वो रास्ता ढूंढ रहा था रेखा से बाहर निकलकर जोगी को सबक सिखाने के लिए। लेकिन वो नाकामयाब रहा। उसकी नाकामी ने उसे और गुस्से से भर दिया। बाकी सभी आत्माएं ऋषभ के अनुसार ही चलती थीं, इसीलिए सबसे आवश्यक था ऋषभ पर काबू पाना। अंदर से खुशी अचानक बाहर आई और बाहर का नज़ारा देखकर डर से बेहोश होकर वहीं सीढ़ियों के पास ही लुढ़क गई। खुशी को संभालने के लिए आरती आगे बढ़ी, लेकिन दीपक ने हाथ पकड़कर रोक दिया। रेखा के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था। फिर जोगी ने ऋषभ के प्रेत से बात करनी शुरू करी, जो कि हवा में बहुत ही डरावने तरीके से तैर रहा था। प्रेम का मतलब चाह नहीं, त्याग होता है। जिससे प्रेम करते हैं, हमें हर कीमत पर उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। खुशी को पाना तुम्हारा प्रेम नहीं बल्कि जिद है, और जिद कभी सच्चा प्यार नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने तुम्हारे प्यार को झूठा कहा। यदि तुम खुशी से सच्चा प्यार करते हो तो तुम वो करते जिसमें उसकी भलाई है। हाँ, तो मैं वो सब करता हूँ जो खुशी को पसंद है। मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, उसके साथ रहता हूँ। क्या खुशी सच में तुम्हारे सब करने से खुश है? जोगी ने हवा में तैरते हुए ऋषभ से कहा। इसके साथ ही ऋषभ जमीन पर आ गया और जोगी को देखने लगा। जोगी ने अपनी बात जारी रखी। सच्चा प्यार है तो उसे अपने प्यार के बंधन से आज़ाद कर दो। प्रेत और जीवित इंसान कभी एक बंधन में नहीं रह सकते। जो तुम चाहते हो वो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब तुम अगले जन्म में मनुष्य होगे तो खुशी तुम्हारी पत्नी होगी, और यह सच्चे अर्थ में विवाह होगा और तुम्हारे प्रेम का मिलन होगा। मैं कैसे यकीन करूँ कि जो तुमने कहा वो होगा? उस प्रेत ऋषभ ने शक करते हुए पूछा। मुझ पर नहीं, शिव पर यकीन करो। यदि मैं शिव की आराधना से तुम सभी को मुक्त कर सकता हूँ तो शिव से अपने कहे की पूर्ति की प्रार्थना भी कर सकता हूँ, और मुझे मेरे शिव पर विश्वास है। मेरा महाकाल मेरी प्रार्थना जरूर पूरी करेगा। वैसे तो मैं अपने महाकाल की शक्ति से अभी भी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ जिसकी तुम्हें इच्छा है। तुम्हारा प्रेम अधूरा नहीं, पूरा रहेगा। प्रेम के नाम पर ऋषभ बिल्कुल भावुक सा हो गया और जोगी की बात मान ली। अपने मन से मुक्ति चाहने पर जोगी के लिए सब कुछ सरल हो गया। जोगी ने शिवलिंग के पास आसन लगाया और जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगा। मंत्र उच्चारण के साथ ही साथ दियों की लौ तेज होने लगी, और फिर उन सभी 9 दियों में से एक एक लौ निकलकर आसमान में छा गई और धीरे धीरे रेखा के अंदर प्रवेश करती गई। सभी प्रेतात्मा शांत थी और धीरे धीरे उस लौ में एक एक करके समाने लगी। अंत में ऋषभ ने अपनी बाहें फैलाई और उस लौ में समा गया। सभी आत्माएं अब उन लौ में समा गई थी। वो 9 लौ एक होकर शिवलिंग के अंदर समाहित हो गई। सूरज लगभग ढल चुका था, सब कुछ सामान्य हो गया था। उन आत्माओं को शिव शक्ति के साथ मुक्ति मिल गई थी। मंत्रोच्चारण रुक गया था, सभी क्रिया पूर्ण हो चुकी थी। जोगी ने कहा, आप अब हर भय से मुक्त हैं। लेकिन खुशी, दीपक ने चिंता भरे स्वर से पूछा। वह सभी मुक्त हो गए हैं, मैंने जो वचन दिया है वो भी होगा, लेकिन इस जन्म को खुशी पूरा जिएगी, वह अगले जन्म में होगा।
आप सभी निश्चित रहें, अपना जीवन वैसे जिएं जैसे जीते रहे हैं। और जोगी ने शिवलिंग उठाकर झोली में रख दिया और अपनी राह पर चलने लगा। चलते चलते एक बार फिर से मुड़कर कहा, अपनी बेटी को सुझाव दीजिएगा कि खुले बालों में कभी ना निकले। और मुस्कुराते हुए उस धुंध के साथ न जाने किस दिशा में चलता चला गया। इसके बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया और सभी लोग बहुत ही खुशी के साथ रहे। वो कहते हैं ना, जीवन में कितने भी कष्ट हो लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो ही जाता है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ना हो तो समझ जाना चाहिए कि वो अंत नहीं है। ये कहानी आपको कैसे लगी, अपने कमेंट्स और लाइक्स के ज़रिए मुझे बताएं। इस वीडियो पे मैं कोई लाइकें नहीं रख रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। एक शुक्रिया मैं रचना वर्मा जी को भी कहूँगा, जिन्होंने मुझे ये कहानी सुनाने के लिए दी। अगर आप अपने साथ घटी किसी घटना को मुझे बताना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।